हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सैंडविच की रेसिपी। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मैंने हाफ अनियन लिया और उसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया। ये मेरे पास मीडियम साइज़ का अनियन था, उसको मैंने हाफ कट कर लिया और फिर मैं उसको चॉप करना स्टार्ट कर लिया। अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसके अंदर भी सारी चीज़ें जो जैसे मैं स्पिनिश आगे यूज़ करूँगी, चिलीज यूज़ करूँगी, तो कंबाइन चॉप कर सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि चलें आज हाथ से ही चॉप करते हैं। सो ये देखें, ये वाइट अनियन था, रेड अनियन भी होते हैं लेकिन मेरे पास वाइट अनियन है और मैं इसको फाइनली चॉप करने की ट्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा ये है कि आपको अच्छे से चॉप करना पड़ता है फाइन टेक्सचर लाने के लिए। जैसे ही मेरी अनियन चॉप हो जाएंगे, मैं इसको ये वाली जो मेरे पास साइड पर प्लेट रखी हुई है इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैं अपने सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो इस प्लेट में ऐड कर दूंगी। फिर मैंने ये मेरे पास थोड़ी सी स्पिनिच है वो आपने लेनी है। आप हैंडफुल स्पिनिच ले सकते हैं, 1 कप, 1/2 कप, जितनी आपको पसंद है या जितने आपने स्लाइसेस बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग। मैंने ये आई थिंक हैंडफुल ली थी और फिर मैंने ये थोड़ा सा टमेटोज लिए थे। मेरे पास टमेटोज कट किए हुए ऑलरेडी थे, तो मैंने उसका थोड़ा सा पार्ट लिया और फिर उसको भी चॉप कर लिया। इसको आपने बस अपने अकॉर्डिंग बनाना है, जितनी आपको स्पाइसेस पसंद है। इसमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स अगर आपको नहीं पसंद तो वो आप एक्सक्लूड कर दें। या मैंने जैसे ग्रीन चिलीज थी मेरे पास, वो 2 थी मीडियम साइज़ की, उसको कट कर लिया। अब मैं इसी के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, जितना भी आपको पसंद है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लें, अगर आप मीडियम खाते हैं तो आप मीडियम ऐड कर लें, अगर आप बहुत कम खाते हैं तो आप इसको कम ऐड कर लें। इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी रेड चिली ऐड करूँगी। आपने अगर आपकी चिलीज़ ग्रीन चिलीज़ बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं, बहुत ज़्यादा हॉट हैं, तो आप थोड़ा सा ये है कि कम ऐड कर लें। अगर आपको बहुत स्पाइसी पसंद है तो इट्स अप टू यू। अब मैं इसके अंदर 1 एग उसको ऐड करूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ 2 स्लाइसेस का बना रही हूँ सैंडविच जस्ट फॉर 1 पर्सन। आप इस तरह भी कर सकते हैं, पहले एग के अंदर जितनी भी अपनी सारी आपकी वजह से उसको चॉप करके ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने एग लास्ट में ऐड किया, आप पहले भी ऐड कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और ये मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैंने ये अपने 2 स्लाइसेस लिए हैं, मेरे पास ये होल मील स्लाइसेस हैं। आप वाइट ब्रेड ले सकते हैं, कोई भी आप जो मीडियम ब्रेड ले सकते हैं ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया मेरा ये ग्रेटेड चेडर चीज़। आप मोज़रेला भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये जो अभी सिर्फ चेडर चीज़ ही अवेलेबल है, ये मैं आई थिंक सेंसबरी से लेकर आई थी, सेंसबरी और लिडल से। सो मैं ये वो वाला यूज़ कर रही हूँ। चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने ज़्यादा ऐड किया है। अब मैं 2nd स्लाइस रखूँगी, उसको अच्छे से प्रेस करूँगी। मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से प्रेस करें, साइड से अच्छे से प्रेस कर लें। अगर आपको वाटर रिक्वायर्ड है तो थोड़ा सा वो लगा लें, लेकिन मेरा ऐसे ही परफेक्टली हो गया था। अब मैं इसको जो मेरा मिक्सचर है उसमें डिप करूँगी। ये परफेक्टली अभी नहीं डिप होगा, सो मैं आपको बताती हूँ कि आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। आपने कोई सा भी पैन ले लेना है, उसके अंदर अराउंड 1 to 2 टीस्पून और टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है, बिकॉज इट्स नॉन स्टिक तो इतने ज़्यादा ऑयल रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये वाला जो मेरा सैंडविच है इसको मैं इसमें अपने पैन में ऐड कर दूंगी और हाफ जो है ये मेरा मिक्सचर इसके ऊपर से मैं इसको भी ऐड कर दूंगी और फिर इसको मैं कवर कर दूंगी अराउंड 2 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। आफ्टर 2 मिनट्स मैं इसकी साइड जो है उसको चेंज करूंगी और जो मेरा रिमेनिंग मिक्सचर है उसके ऊपर ऐड करके उसको भी मैं अराउंड आई थिंक 3 to 4 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लूँगी। ये देखिए, मैंने अपना जो रिमेनिंग मिक्सचर है उसको भी ऐड कर दिया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और फिर इसको भी मैं कवर कर दूँगी अराउंड 2 मिनट्स के लिए ही। 2 मिनट्स के बाद मैं इसका लिड हटाऊँगी और उसके बाद इसमें मैं अराउंड 3 टेबलस्पून फ्रेश मिल्क ऐड करूँगी। कोई भी आप मिल्क ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। और इससे ये होगा कि बहुत अच्छा एक टेक्सचर आएगा, इनसाइड से ये बहुत सॉफ्ट होगा और आउटर साइड जो होंगी बहुत क्रिस्पी होंगी। तो ये जब आप ट्रिक ट्राई करेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि ये कितना अमेजिंग बनता है। मिल्क ऐड करने के बाद मैं इसको जस्ट फॉर 1 मिनट के लिए कवर करूँगी, बिकॉज मुझे मेक श्योर करना है कि एग जो है वो फुली कुक्ड हो फ्रॉम इनसाइड एज वेल। सो ये देखें, बहुत ही अमेजिंग मज़े का सैंडविच रेडी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताएगा कि कैसा बना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।